ECAT Mathematics F.Sc Part 1 Chapter Number 6 Sequences and Series में आज हम जिन दो टॉपिक्स को डिस्कवर करेंगे उनमें पहला टॉपिक है सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज और दूसरा है हार्मोनिक सीक्वेंस एंड हार्मोनिक मीन। ये बात याद रहे कि ज्योमेट्रिक सीरीज जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या सीक्वेंस की टर्म्स को ऐड करने से हासिल होती है। अब इससे रिलेटेड जो हमारा एमसीक्यू है वो भी हम जो है वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जी के एस एन फॉर ज्योमेट्रिक सीरीज इफ, यानी सम फाइंड करना है हमें टर्म्स ऑफ द ज्योमेट्रिक जो सीक्वेंस है, या अब सीरीज चूंकि बन चुकी है प्लस करने के बाद तो सम फाइंड करना है अगर कॉमन डिफरेंस की एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो वन से क्या हो लेस हो, और इसमें से कौन सा वो फार्मूला हो सकता है जो कि हम यूज कर सकते हैं। देखिये डी ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कहीं कॉमन रेशियो की बात नहीं की जा रही, ठीक है, इसलिए इसको हम निकाल लेंगे। अब अगर फर्ज करें हम खुद से अस्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास एक सीरीज है, एक फाइनाइट सीरीज ले लेते हैं हम, इसकी फर्स्ट टर्म 16 है, ठीक है, देन इसमें 8 आ रहा है, ठीक है, देन इसमें 4 और फिर इसमें 2 आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसका सम हम खुद भी कर सकते हैं, 16 और 4 20 और 10 ये बनता है 30 सम, ठीक है। अब हम देखते हैं कि r जब हम इसमें से इनमें से किस फार्मूला में लिखते हैं कि हमें ये वैल्यू मिल जाती है 30, ठीक है, जबकि r इस केस में 1/2 है, क्योंकि अगर आप 8 को 16 से डिवाइड करते हैं 1/2 आंसर आता है। तो अगर फर्ज करें हम इस सी ऑप्शन को यूज करते हैं जिसमें ए की वैल्यू 16, ठीक है, और 1 माइनस 1/2 की पावर 1/2 की पावर n, n इसमें कितना होगा 1, 2, 3, 4 टर्म्स है, हम 4 पुट करेंगे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं हमारा क्या जवाब आता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर आ जाएगा 16, ठीक है, 2^4 16 होती है, तो 16 1 से मल्टीप्लाई होकर 16 माइनस 1/16 आ जाएगा, ठीक है, जबकि डिवाइडेड बाय 1 में से हाफ माइनस करें हाफ बच जाता है, ठीक है, हाफ आ जाएगा यहाँ पे आंसर। यहाँ पर मैं इसको करेक्ट करके लिखता हूँ। अब ये 16 इस 16 से कैंसिल और ये आ जाएगा 15, जबकि डिवाइड का साइन जब मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो इस नंबर का रेसिप्रोकल ले लेते हैं जो कि 2 है, तो देखिए 30 जवाब आता है, ठीक है, इसका मतलब ये ऑप्शन हमें सही आंसर दे रहा है। लेकिन अगर हम इस ऑप्शन को यूज़ करते हैं तो इसमें ए की जगह जब आप 16 पुट करते हैं और आर की जगह 1/2 और एन माइनस 1 यानी 3, आर चूँकि हमारे पास 1/2 है और n हमारे पास 4 है, तो 4 में से 1 माइनस 3, तो देखिए ये हमें जो आंसर देगा 16/2^3 8 होता है, 2 आंसर दे रहा है जो कि रॉन्ग है, ठीक है। इसी तरह इस अगर फार्मूला को देखा जाए तो इसमें अगर हम a की जगह a 16 पुट करते हैं, 16 थी r पावर n 1/2 की पावर अगर आप 4 लेंगे तो ये 1/16 आएगा, 1/2 माइनस 1, ठीक है, 1/2 माइनस 1। तो इसमें भी देखिए हमारे पास कुछ ऐसा ही रिलेशन बन रहा है कि सॉल्व होने के बाद ये हमें -15 × -2 जवाब देगा जो कि 30 बन जाता है, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने ये बात देखी थी कि जब हम डिराइव कर लेते हैं एक रिलेशन तो उसमें सिंप्लीफिकेशन ना रहे, ठीक है, मतलब कि हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाए, हमें मजीद कुछ प्रोसेस ना करना पड़े, इसलिए ऑप्शन सी जो होगा वो फिर यहाँ पे एक बेस्ट ऑप्शन आ जाएगा, जबकि ऑप्शन बी में भी मजीद सिंप्लीफिकेशन जो है वो रिमेनिंग है। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी के सम ऑफ ऑल द टर्म्स इन द सीक्वेंस, जिसमें फर्स्ट टर्म 1 है, सेकंड टर्म 5/6 है, थर्ड टर्म 25/36 एंड सो ऑन। इसके एक इनफिनाइट आप समझ लें कि ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है ये, ठीक है,
इज, अब इसकी जो टर्म्स का सम बनेगा वो कितना बनेगा, ये बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है। तो देखें, अगर हम इन नंबर्स को देखें, इन नंबर्स को देखें तो इसमें वन है, ठीक है, फिर वन में एक नंबर कोई ऐड हो रहा है 5/6, जो कि 0.8 या इसके करीब करीब कोई अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, इसी तरह और नंबर। तो ये नंबर मतलब वन से तो ग्रेटर आएगा। अब अगर आप इन ऑप्शंस को देखें तो 2/4 0.5 होता है, 5/6 0.8 होता है, 1/3 जो है वो पॉइंट, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 0.3333 एंड सो ऑन, ठीक है। मतलब ये तीनों ऑप्शन बज़ाहिर हम देख सकते हैं कि नहीं है, और ये ए ऑप्शन हो सकता है। अब इसको क्लियर करते हैं कि वाकई ये ऑप्शन है, ठीक है, कि एग्जैक्ट ये जवाब आता है। तो इसके लिए हम जानते हैं कि अगर हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीरीज हो जिसकी फर्स्ट टर्म अगर ए है, फिर उसके बाद ए इंटू आर ये सेकेंड टर्म हो, ठीक है, फिर ए इंटू आर पावर 2 ये थर्ड टर्म हो, और प्लस ऑन इसमें इनफाइनाइट टर्म्स हो, तो फिर इसमें जो सम बनेगा इनका, वो इसका फार्मूला ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, जो कि इक्वल होता है a/(1 - r) के, ठीक है। ए इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो 1 है, और r जो है जो कॉमन रेशियो है वो आप देख सकते हैं, अगर 5/6 को 1 से डिवाइड किया जाए तो 5/6 आती है, तो 1 - 5/6, और यहाँ पे ये वैल्यू जो रेशियो की है वो 1 से लेस की है, ये भी याद है, ठीक है। देखें, अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा, 6 - 5/6 लिखेंगे हम इसे, और ये इक्वल टू आ जाएगा 1/1/6। इसका मतलब इस 6 को रिमूव करने के लिए अगर मैं न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, डिनोमिनेटर को भी, तो ये 6 6 से कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर जो है वो 6 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि ए ऑप्शन ही हमारा बिल्कुल जो है एक बेस्ट ऑप्शन बन जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं जी, कि इसकी स्टेटमेंट है फॉर एन एचपी यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हार्मोनिक सीक्वेंस, ये एक हमारे पास इसके सीक्वेंस की टर्म्स लिखी हुई है कि 3/11, 6/31 सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है 3/20 एंड सो ऑन। द कॉमन डिफरेंस ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, ये बात जानते हैं हम कि अगर एक सीक्वेंस जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होगा तो उसकी हर टर्म का जो रेसिप्रोकल होगा, उससे बनने वाला जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। और अब अगर हम इन टर्म्स का रेसिप्रोकल ले लें, जैसे 11/3 जो है वो फर्स्ट टर्म का रेसिप्रोकल बन जाएगा, और 31/6 सेकेंड टर्म का, ठीक है, और अगर इसे हम कॉमन डिफरेंस ले लें तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ऑप्शन कौन सा बेस्ट ऑप्शन बनता है। सेकेंड टर्म में से यानी 31/6 में से हम माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, 11/3 को, तो देखिए यहाँ पर 6 और 3 का एलसीएम 6 ही आएगा, ठीक है। अब न्यूमरेटर यहाँ पर यानी चूंकि डिनोमिनेटर 6 ही है, इसी न्यूमरेटर एज इट इज आएगा फर्स्ट टर्म का, जबकि सेकेंड टर्म का जो डिनोमिनेटर 3 है ये 6 को डिवाइड करेगा, 2 आएगा, जो कि 11 से मल्टीप्लाई होकर फिर 22 बनता है। तो 31 का 22 से डिफरेंस होता है जी 9 का, 9/6, या अगर हम 3 के टेबल से इन्हें डिवाइड कर लें तो ये देखें 3 2 टाइम 6 होता है, 3 3 टाइम 9 होता है, 3/2 हमारा आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। इसे हम कहेंगे कि हमारा जो इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन है वो क्या होगा जी, वो 3/2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी, कि द हार्मोनिक मीन एंड अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 4 and 9/2 रिस्पेक्टिवली, द नंबर्स आर, यानी अगर हार्मोनिक मीन जो नंबर्स का हो वो 4 हो और अरिथमेटिक मीन जो है नंबर्स का वो 9/2 हो, तो हमें ये बताना है कि वो कौन से नंबर हो सकते हैं, ठीक है। यानी देखिए, इन तमाम नंबर्स का अगर आप एक बात कॉमन देखें तो अरिथमेटिक मीन एक जैसा बनता है, यानी इन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर लें, तो देखें इसमें भी 9/2 आता है, 6 और 3 का सम भी 9 बनता है, 9/2, यहाँ भी 9 आता है, यहाँ भी 9/2 आता है, इसका मतलब इस लिहाज से तो ये सारे ऑप्शन एक जैसे हैं। लेकिन अब हार्मोनिक मीन किसका 4 आएगा, ये बेसिकली हमने यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। तो
तो देखिए अगर हम 5 और 4 को देखें, चूंकि हार्मोनिक मीन में हम जानते हैं कि जो फार्मूला है इसमें हम 2 टाइम्स ए बी ओवर ए प्लस बी लिखते हैं, ठीक है, यानी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स का रेसिप्रोकल लेकर फिर उनकी एवरेज ली जाती है, ठीक है। तो देखें अब इसमें अगर आप देखें तो ए प्लस बी जो नंबर आता है वो क्या आना चाहिए, ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि ऊपर मौजूद जो प्रोडक्ट है उससे कैंसिल हो सके, और हमारा आंसर 4 आ जाए, ठीक है, एग्जैक्ट 4 आ जाए, जो कि 5 और 4 के केस में नहीं बनता, क्योंकि देखिए 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें 20 आता है, जबकि इनका सम 9 है, तो 29 को नहीं डिवाइड कर सकता, इसी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरह यहाँ भी अगर आप देखें तो ये इनका प्रोडक्ट जो है वो, मतलब इनका सम अगर 9 है तो इनका प्रोडक्ट 9 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि नहीं बनता, यहाँ भी नहीं बनता, यहाँ पे अगर इनको मल्टीप्लाई भी करें तो माइनस में वैल्यू आएगी। तो ऑप्शन बी हमें एक सूटेबल ऑप्शन लग रहा है, जिसको हम वेरीफाई करते हैं क्या है कि हम सही सोच रहे हैं इसके बारे में। तो 6 और 3 को अगर मल्टीप्लाई करें 18 बनता है, ठीक है, और 6 और 3 को ऐड करें तो 9 बनता है। देखिए 9 18 को कैंसिल कर रहा है अपने टेबल से, 9 2 टाइम 18 और 2 2 2 इससे मल्टीप्लाई होके 4 आंसर आ रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो ऑप्शन नंबर बी हमारा वो फिर एक क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, एक बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं, जिसमें इसकी स्टेटमेंट है इफ़ वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2x प्लस 4x² प्लस 8x³ प्लस अप टू सो ऑन, ये इसमें इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हैं, देन x इज इक्वल टू। अब देखिए इसमें हम बेसिकली इस तरह से इस बात को समझ सकते हैं कि जो टर्म्स 1 के बाद आ रही है यानी 2x 4x², इन तमाम में 2x कॉमन आ सकता है, क्योंकि आप अगर देखें तो 4x² को अगर 2x से डिवाइड किया जाए तो आंसर क्या आता है हमारा, 2x आता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 8x³ को डिवाइड कर लेते हैं 4x² से, तब भी आंसर हमारा 2x आता है, ठीक है। इसका मतलब कि हम इसमें से 2x कॉमन ले सकते हैं इन तमाम टर्म में से। तो अगर हम कॉमन ले लें यहाँ पर कि y इज इक्वल टू 1 प्लस और यहाँ से 2x कॉमन ले लें, तो हमारे पास यहाँ पे 1 रह जाएगा, क्योंकि 2x को डिवाइड करेगा 1 आ जाएगा, ठीक है। 4x² जब 2x से डिवाइड होगा तो 2x आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 8x³ जब 2x से डिवाइड होगा तो 4x² आएगा, और इसी तरीके से हमें पता है कि इनमें कॉमन रेशियो आ रही है, 2x से नंबर मल्टीप्लाई होकर नेक्स्ट टर्म आ रही है, तो ये 8x³ इसके बाद आएगी टर्म, और प्लस सो ऑन यहाँ पर इन्फिनिटी तक हम यदि एक लातादाद जो टर्म्स है वो आ रही है, इस तरह से हम चलते जा रहे हैं। अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास एक सीक्वेंस बन रहा है, ठीक है, या एक एक्सप्रेशन बन रहा है, ये तो हमने वाई के इक्वल को मतलब गिवन है ये कि ये वाई के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू 1 प्लस 2x, ठीक है, टाइम्स इसकी जगह हम वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो चूंकि हमें x की वैल्यू को सेपरेट करना है, हम अगर इस 1 को दूसरी तरफ मूव कर ले तो y माइनस 1 जो है वो इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई बाय y आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें जो y माइनस 1 ऑप्शन b और c और d, ये मतलब अब इनमें से कोई हो सकता है, लेकिन जब हम डिवाइजर देख रहे हैं तो 2y है, तो वो फिर d ऑप्शन बनता है, क्योंकि देखिए आप यहाँ से अगर y माइनस 1 को हम जब इस 2 और y से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ बिल्कुल x आइसोलेट हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो x की वैल्यू ही तो हमने यहाँ पे फाइंड करनी थी, जो कि फिर d ऑप्शन में लिखी हुई है, इसलिए हमारा बेस्ट ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन के लिए वो फिर d ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट MCQ देखते हैं जी, इसमें लिखा हुआ है कि इफ 2 3 6 अप टू सो ऑन अप टू 9 टर्म्स बल्कि आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन, देन देयर सम इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज, चूंकि हम जानते हैं कि अगर एक सीक्वेंस जो है वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है तो उसके जो रेसिप्रोकल्स होंगे वो उससे जो बनने वाला सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस होगा,
और फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो इनका सम है वो बेसिकली हमें फाइंड आउट करना है, इन इनमें से मतलब एक ऑप्शन है। अब वो कौन सा हो सकता है, इसके लिए हम अगर सीक्वेंस को देखें कि इसके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनता है, तो इसके रेसिप्रोकल्स अगर ले लें, सर 2 का रेसिप्रोकल 1/2, 3 का 1/3, ठीक है, इसी तरह 6 का 1/6, ये जो है वो 9 टर्म्स तक, ये हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स अब, ठीक है। तो इनका सम फाइंड करना है हमने। देखिए इसमें हमें पता है कि ए जो है फर्स्ट टर्म जो है वो हमारे पास कितनी है जी, वो है 1/2, जबकि इसमें जो कॉमन डिफरेंस है अगर इसको हम कैलकुलेट कर लें तो वो भी आ सकता है कि 1/3 में से अगर आप 1/2 को सब्ट्रैक्ट कर लें यानी सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, तो वो हमारे पास आ जाएगा जी 3/2 का एलसीएम 6। अब 6 को डिवाइड करेगा 2 आएगा, यानी 3 को 2 से मल्टीप्लाई करने से अगर 6 आता है तो 1 को भी हमें 2 मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरह 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से 6 आता है, इसलिए 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और आंसर हमारा आ रहा है -1/6। अब अगर हम फार्मूला यूज कर लें सम का 9 टर्म्स तक का अरिथमेटिक सीक्वेंस का, तो उसमें हमने पढ़ा था कि n/2 टाइम्स ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस, ये सम इस तरह से फाइंड करते हैं। तो अब इसमें इनकी वैल्यूज को अगर पुट किया जाए तो n हमारे पास 9 है, यहाँ पे 9/2 आ जाएगा, जबकि 2 टाइम्स ऑफ हाफ जो है वो 1 के इक्वल होता है, 9 में से 1 माइनस करेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय -1/6, और यहाँ से अगर आप देखें तो ये कैंसिलेशन हो रही है 2 के टेबल से, 2 3 टाइम्स 6, 2 4 टाइम 8। तो इस तरीके से अगर इसका एलसीएम ले लिया जाए यहाँ पे तो 3 डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, यहाँ पर, और ये 3 1 से मल्टीप्लाई होकर 3, लेकिन ये प्लस इंटू माइनस माइनस आ जाएगा 4, क्योंकि 4 भी है ब्रैकेट में, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि 3 1 टाइम 3 3 3 टाइम 9, और ये 3 डिफरेंस 4 होता है -1 के इक्वल, तो इसका आंसर जो है -3/2 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। इसी कैसे फिर हम कहेंगे कि हमारा जो इस क्वेश्चन का बेस्ट ऑप्शन है वो -3/2 है।